बात बेमेतरा की, जहां साझा विधायक ईश्वर साहू का बड़ा बयान सामने आया। जनदर्शन के दौरान लगे आरोप पर बोले हैं ईश्वर साहू, खुद पर लगे आरोपों को बताए विपक्ष की साजिश और कांग्रेसियों ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। ईश्वर साहू का ये बयान है, चुनाव में मुझे हरा नहीं सके इसलिए बदनाम कर रहे हैं, जनदर्शन में आए मामले की जांच हो। ईश्वर साहू की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया, जनदर्शन में आए मामले की जांच होनी चाहिए, ईश्वर साहू ने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। ये विपक्ष की सोचे साझे साजिश है, खासकर कांग्रेसियों की। जो मैं गरीब परिवार से हूँ, चुनाव तो मुझे हरा नहीं सकी, अब इसको बदनाम कैसे करना है। और ऊपर से जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह फिट चुके हैं, बुरी तरह से हारे हुए हैं, ये लोग सदमे में भी है, ये लोग सदमे भी है पूरे विपक्ष के लोग, तो इसको बदनाम कैसे किया जाए। तो इनकी बदनाम करने के लिए उसको वहाँ लेके गया है, उसको बुलवाया गया है, मुख्यमंत्री निवास में ले जाके उसको बुलवाया गया है। ये विपक्ष तो सूरज सिन्हा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बेमित्रा से जुड़ गए हैं। सूरज जा, अब ईश्वर साहू आरोप लगा रहे, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही, निष्पक्ष जांच की भी बात कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी डिटेल्स? जी सूरज, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बताइए। देखिए, साझा विधायक ईश्वर साहू ने जनदर्शन में जो उसके ऊपर आरोप लगे थे उसको लेकर पलटवार किया है। उनका कहना है कि वे एक गरीब विधायक हैं और जो कांग्रेस के जो लोग हैं उसकी जीत से बौखला गए हैं, लगातार विधानसभा और लोकसभा हारने के बाद सदमे में हैं, तो वहीं वो लोग जो शिकायतकर्ता को जो कुछ कांग्रेसी हैं पैसे की लालच देकर या लालच देकर उसको मुख्यमंत्री जनदर्शन में भेजा गया और उसके खिलाफ शिकायत करवाया गया है। उन्होंने एक डायलॉग भी कहा कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर के साथ ईश्वर है। उनका कहना है कि कुल मिलाकर यहाँ पे जो कांग्रेसी है उनको बदनाम करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत उसकी शिकायत दर्ज करवाए हैं। जी, तो कुल मिलाकर कांग्रेस उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है, साझा विधायक है ईश्वर साहू, उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सूरज। तो ये मेमित्रा से बयान सामने आया है, साझा विधायक ईश्वर साहू का बयान, जो कांग्रेसियों ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है, इस तरीके की बात कह रहे हैं।